जय हिंद दोस्तों, एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जो है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के मिड टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम का सबसे पहले पैटर्न क्या होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैच दी कॉलम का होता है, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है, कुछ फिलअप का होता है, उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्या कि कुछ दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं और कुछ तीन नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम का पैटर्न होता है। हम लोग के समय में जो पैटर्न था उसके बाद हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट नोट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 में हम लोग के समय पूछे गए थे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था क्या कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माउस, माउस क्या होता है उसके बारे में, चाहे उसका क्या कंप्यूटर में फंक्शन है, क्या उसका रोल है, ठीक है, उसके बारे में लिखना था हम लोग को, ठीक है। तो माउस के बारे में आप लोगों को जो मैनुअल में है वो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप लोग मोबाइल से खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्या मोबाइल से खोज के उसके उस पर एक अच्छा सा नोट आप लोग पहले ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप लोग एग्जाम में लिखेगा तो उसका एक फिगर वहां पर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को फिगर पता ही होगा, कुछ इस प्रकार का फिगर होता है उसका, माउस का ये होता है, ये तार निकला होता है यहाँ पर, ये बीच में होता है, ठीक है। इन सभी पार्ट के बारे में जो किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इससे फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आता है, क्या कि राइट डाउन द टू एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस या डैश एंड डैश आर टू इनपुट डिवाइस। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद रैम और रोम, रैम और रोम में क्या अंतर होता है, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म फिलअप में भी आता है, क्या कि दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखिए। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग जिसे बोलते हैं आरएस, ये टॉपिक जो है फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है फिर से, और फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसके बारे में पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मेरे पास एक अच्छा सा नोट है, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में विदाउट उसके फिजिकल टच में आए हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब कि रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल टच, ठीक है। बिना फिजिकल टच के जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। उसी प्रकार से GIS, आप लोग से क्लास में पढ़ाए होंगे GIS क्या होता है, चाहे उसके बारे में थोड़ा बहुत भी बताए होंगे, तो इसे भी क्वेश्चन आता है। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आप लोग इन सभी चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक शॉर्ट नोट है MS Word पर, MS Word क्या होता है, क्या उसका फुल फॉर्म है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन अगर आएगा क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। उसके बाद जनरेशन सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इसे फिलअप में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, और यह जो क्वेश्चन है फाइनल यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम में भी आता है, क्या कि कंप्यूटर के जनरेशन सिस्टम के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। आप लोग इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है साइलेंट फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्य विशेषताएं क्या है, उसका साइलेंट फीचर्स क्या है वो पूछ रहा है। इसके अलावा आप लोग को सर क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाए होंगे चाहे जो भी कुछ लिखाए होंगे तो वो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे MCQ आता है। अगर आप लोग वो नहीं पढ़ते हैं तो MCQ में एक से दो क्वेश्चन आप लोग को छूट जाएगा या गलती हो जाएगा, इसलिए जो सर कॉपी में लिखाए हैं, जो सर क्लास में बताए हैं, जो सर क्लास में डिस्कस किए हैं, उसके बारे में एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का एक वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। लेकिन क्लास में जो सर पढ़ाएँ उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर मुझसे आते हैं, और कंपोनेंट ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म, तो आप लोग के जहाँ तक भी मिड में आएगा तो उस चैप्टर तक में जितना भी फुल फॉर्म होगा आप लोग कॉपी में लिख के वो सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्या है रैम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है रैम का, इसका होता है रैंडम एक्सेस
मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है ALU, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है GIS, GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद है GPS, GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद है LCD, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के मीड टर्म जहाँ तक चैप्टर आएगा उस चैप्टर तक जितने भी फुल फॉर्म होगा आप लोग उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर टू इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड और माउस क्या है, दो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और ये क्या हो जाएगा माउस, ठीक है। उसके बाद है इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज एग्लोल CUBY एंड फोरट्रेन वेर यूज्ड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है ना हाई लेवल का जो लैंग्वेज था वो यूज किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर एक बार मीट में पूछते हैं सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन सा है, उसका एक है IBM 360, IBM 360, एक है HP 2100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 बिट्स पर आवर डैश बाइट, 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, तो 8 बिट्स में जो है एक बाइट होते हैं। उसके बाद है बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इज डैश, स्टोरेज का जो है बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है बाइट, ठीक है। उसके बाद है दी एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड इज डैश, तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है वो है डॉस, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डॉस। उसके बाद डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो हम लोग जो है CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इसके अलावा जो क्लास में सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, जो बताए होंगे, सभी चीज़ों को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसी पोर्शन से आते हैं, इस पोर्शन से भी आते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, अगर आप लोग पढ़ते नहीं है वहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांस या गलत होने के चांस रहते हैं, तो आप लोग क्लास नोट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात, जैसे क्या कि यहाँ पर रैम और रोम में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर R का मतलब यानी क्या है कि रैम में R का मतलब क्या है और रोम में R का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक ट्रिक से पढ़ सकते हैं, जैसे क्या कि जब हम लोग गार्जियन घर से फोन करते हैं तो क्या बोलते हैं, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, मतलब कि ओनली के साथ क्या लगेगा, रीड, ठीक है, क्या बोलते हैं, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, मतलब इसका मतलब हुआ ओनली के साथ क्या लगेगा, केवल रीड, ठीक है। तो जब आप लोग को एक फुल फॉर्म कन्फर्म हो जाएगा तो अगला आप लोग जो है खुद उसको लिख सकते हैं कि रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां ओ होगा उसके पहले जो फुल फॉर्म होगा, उसके पहले जो आर होगा उसका मतलब रीड होगा, ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर किसी के पास क्लास नोट होगा तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है, तो आप लोग उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास नोट ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।